हाँ जी बच्चों, एग्जीक्यूटिव पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, आई होप बेटा आपको समझ में आ गया हो। आज हम बेटा करने वाले हैं पार्ट नंबर 3, जहां पे बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में। सो बेटा चलिए अब करते हैं स्टार्ट। सो भाई आप सभी जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है सरकार का मुखिया, सरकार का हेड, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हेड होता है। सो एज हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ द गवर्नमेंट इन द कंट्री। हमारे भारत में सबसे महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वो है हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और उनको मिला होता है सपोर्ट किसका, सीट्स का मेजॉरिटी उनको मिली होती है लोकसभा में। वो व्यक्ति पीएम बनता है जिस व्यक्ति को, जिस एक तरीके से 543 में से जिसके पास 272+1 यानी कि 273 एमपीस का होता है सपोर्ट, वो बनता है प्राइम मिनिस्टर। अब ये 273 या तो अकेली पार्टी लेके आए या कोई कॉलिशन या कोई अलायंस लेके आए, ठीक है। अभी हमारी भारत में सरकार है भाजपा की, तो अकेली क्लेयर मेजोरिटी भाजपा के पास है और उनका जो अलायंस है एनडीए उसके पास भी मेजोरिटी है। सो इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्न एग्जीक्यूटिव, इट इज इजेंशियल डैट द प्राइम मिनिस्टर हैज द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द लोकसभा। जैसे कि बेटा मैंने बताया आपको कि प्राइम मिनिस्टर के पास मेजोरिटी का होना बहुत जरूरी है, मेजोरिटी नहीं तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट भी नहीं। दिस सपोर्ट बाय द मेजोरिटी ऑल्सो मेक द प्राइम मिनिस्टर वेरी पावरफुल, ठीक है ना भैया। देखो सारी शक्तियां एक तरीके से पीएम के पास है और पीएम के पास मेजोरिटी होना जरूरी है। मेजोरिटी नहीं होगी तो भैया सरकार नहीं बचेगी, पीएम की पोस्ट नहीं बचेगी, समझे आप लोग, वही कह रहे हैं। द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज लॉस्ट, जैसे ही बेटा ये मेजोरिटी का सपोर्ट हट जाता है प्राइम मिनिस्टर को अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ता है। मतलब मेजोरिटी जरूरी है, मेजोरिटी है सरकार है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है, मेजोरिटी नहीं है सरकार भी नहीं है पीएम की पोस्ट भी नहीं है। फॉर मैनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी हैड मेजोरिटी इन द लोकसभा एंड इट्स लीडर वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अगर हम लोग देखें तो 1952, 57, 62, 67, 71, 80, 84, 91 और 2004 से लेके 2014 तक, इन बेटा ईयर्स में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ही बने हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। नेहरू, इंदिरा गांधी, आपका राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव, ये सभी पीएम की पोस्ट पर आए हैं, ठीक है ना। तो इनके पास भी एक टाइम पे क्लियर मेजोरिटी होती थी। नेक्स्ट पॉइंट पे, सिंस 1989 देर हैव मैनी ओकेशंस वैन नो पार्टी हैड मेजोरिटी इन द लोकसभा, ठीक है। 1989 का जो बेटा पीरियड था ना, उस पीरियड को बेटा हम लोग तरीके से बोलते हैं राइस ऑफ कोलिशन या फिर राइस ऑफ अलायंस, क्योंकि इस बेटा पीरियड के बाद में किसी को भी क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती थी। लेकिन 2014 में इसका भी एंड हो गया जब भाजपा को क्लियर मेजोरिटी मिलनी स्टार्ट हुई आपकी। है वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टुगेदर एंड फॉर्म अ कॉलिशन दैट हैज मेजोरिटी इन द हाउस, ठीक है ना। 1989 के बाद में किसी एक पार्टी की मेजोरिटी नहीं मिलती थी, इसलिए बहुत सारी पार्टी ने आगे आगे कॉलिशन बनाए, अलाइंसेस बनाए और सरकारें चलाएं। इन सच सिचुएशंस अ लीडर हु इज एक्सेप्टेबल टू मोस्ट पार्टनर्स ऑफ द कॉलिशन बिकेम्स द प्राइम मिनिस्टर। अब भैया देखो, अगर एक ही पार्टी है, अगर कोई आपकी एक ही पार्टी है, सिंगल पार्टी है, तो पहले ही पीएम का चुनाव जाता है कि भाई हमारी हमारे पार्टी से ये पीएम का दावेदार है। लेकिन अगर कॉलिशन होता है तो बेटा कॉलिशन गवर्नमेंट में अलायंसेस के अंदर हम लोग मिलके सरकार जो है वो बनाते हैं, ठीक है। अ लीडर हु हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट एज द प्राइम मिनिस्टर। जिस पॉलिटिकल पार्टी का लीडर को मेजोरिटी का सपोर्ट मिल जाता है उसी को प्रेजिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है बच्चों। ये नॉर्मल सा कंसेप्ट है, थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं कि हु विल बी द मिनिस्टर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि कौन होगा रेल मंत्री, खेल मंत्री, खाद्य मंत्री, विदेश मंत्री, होम मिनिस्ट्री, सब जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने पोर्टफोलियो में डिसाइड करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर अलोकेट्स रैंक एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस। द मिनिस्टर्स आर गिवन द रैंक्स ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ऑफ डिप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। ये सारी जो चीजें होती हैं कि कौन डिप्यूटी मिनिस्टर बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, ये सब बातें जो होती हैं बेटा, ये सभी आपकी बेटा
हमारे पीएम डिसाइड करते हैं इन द सेम मैनर। ये तो हम लोगों ने बेटा एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की बात की, लेकिन अगर हम बेटा बात करते हैं स्टेट्स की, इन द सेम मैनर चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट्स चूज मिनिस्टर्स फ्रॉम देयर ओन पार्टी और कॉलिशन। जैसे बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में पीएम चुनते हैं, वैसे बेटा स्टेट गवर्नमेंट्स में आपके सीएम चुनते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल द मिनिस्टर हैव टू बी मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। भाई देखो, अगर प्राइम मिनिस्टर और सबको भैया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी होता है, अगर नहीं होता है, अगर भाई सपोज किया कि हमने एक लोक एक राज्यसभा के मेंबर को हम लोगों ने बना दिया है पीएम, या फिर कुछ और प्रोसेस है बेटा हमारा, कोई और हमारा नेता था, लीडर था पार्टी का, जिसको हमने पीएम बना दिया, तो उसको बेटा क्या करना पड़ता है, उसको बेटा 6 मंथ्स में इलेक्टेड होकर आना पड़ता है। यानी कि इफ समवन बिकम्स अ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर विदाउट बीइंग एन एमपी, सच अ पर्सन हैज टू गेट इलेक्टेड टू द पार्लियामेंट विद इन 6 मंथ्स, 6 महीने के भीतर उसको इलेक्ट करना पड़ता है। समझे आप लोग बेटा, ठीक है, अगर वो पीएम या मिनिस्टर की पोस्ट चाहता है आपके। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब भाई ये पूरा जो आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ये पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है अपने फैसलों के लिए, अपनी बातों के लिए। अगर एक गलती होती है तो सब लेते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ये। दिस प्रोविजन मीन्स दैट अ मिनिस्ट्री विच लॉसेस कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा इज ऑब्लाइज्ड टू रिजाइन। अगर इन केस जरा सी गलती हो गई तो पूरे मंत्रिमंडल को, पूरे मंत्री, पूरे सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉलिडेरिटी ऑफ द कैबिनेट। इट इंप्लाइज दैट अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इवन अगेंस्ट द सिंगल मिनिस्टर लीड्स टू द रेजिग्नेशन ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। समझे, अगर एक मिनिस्टर के ऊपर भी बात आती है, अगर एक मिनिस्टर ने गलत फैसला लिया तो इन सबको रिजाइन करना पड़ेगा। इस आल्टो इंडिकेट्स दैट अ मिनिस्टर डज नॉट एग्री विद अ पॉलिसी और डिसीजन ऑफ द कैबिनेट, ही और शी मस्ट आइदर एक्सेप्ट डिसीजन और रिजाइन। अगर इनमें से किसी, देखो तो मैंने बोला कि 20 लोग हैं काउंसिल मिनिस्टर के अंदर, 20 में से किसी एक को पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है, तो या तो पसंद करे या वो अपनी उस पोस्ट से रिजाइन दे दे। इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मिनिस्टर्स टू परस्यू और एग्री टू पॉलिसी फॉर विच देयर इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब सबको भाई एक साथ मिलके सरकार चलानी पड़ती है आपको, सब फैसलों पे हाँ भरनी पड़ेगी। द काउंसिल मिनिस्टर कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है ना, तो काउंसिल मिनिस्टर भी आपका नहीं होता है। द काउंसिल कम्स इन टू एग्जिस्टेंस ओनली आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर हैज टेकन द ओथ ऑफिस। जब प्राइम मिनिस्टर अपनी शपथ लेते हैं तो उस शपथ ग्रहण के बाद ही ये CUM आपका बनता है। द डेथ ऑफ द रिजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स अबाउट डिसॉल्यूशन ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर। अगर हमारे पीएम की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं, रिजाइन मतलब अपनी गद्दी छोड़ देते हैं, तो ऑटोमेटिकली काउंसिल मिनिस्टर भी आपका बिल्कुल डिसॉल्व हो जाएगा। द डिमाइज द डिसमिसल और रिजिग्नेशन ऑफ मिनिस्टर ओनली क्रिएट्स अ मिनिस्ट्रियल वैकेंसी। अगर कोई काउंसिल मिनिस्टर के अंदर कोई सिंगल मिनिस्टर रिजाइन कर देता है, तो फिर उस मिनिस्टर की पोस्ट के लिए एक सिंपल सी वैकेंसी आती है और डेट्स इट, उस वैकेंसी को आपको करना होता है फिल। ठीक है बच्चों, तो एक टॉपिक था बेटा आपका ये हमारा प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर। आपको समझ में आएगा, टॉपिक इज वेरी वेरी शॉर्ट एंड क्लियर। नेक्स्ट, परमानेंट एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी। परमानेंट एग्जीक्यूटिव यानी कि जो बने हुए हैं, बरकरार है, इसमें हम लोग IAS IPS को डालते हैं इन चीजों में आपका ये, ठीक है। सो द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड्स द प्राइम मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स एंड अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द ब्यूरोक्रेसी और द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। कभी एक बात सोची आपने, क्या एक एक व्यक्ति इकोनॉमिस्ट भी है, पॉलिटिशियन भी है, और हम सबको जानता है कि एक व्यक्ति वो नहीं, जितनी भी IAS होते हैं, IPS होते हैं बेटा, इनको हम लोग बोलते हैं क्या, इट इज़ बेटा हम लोग बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और जो हमारे ये सब होते हैं नेता नगरी, इनको बेटा हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। तो बेटा हमारे नेता नगरी को, नेताओं को, जितने भी गार्ड नेता लोग जितने भी बिल पास करते हैं, जितने भी पॉलिसी बनाते हैं, जितने भी आपके लॉज बनते हैं, उन सब के पीछे IAS का होता है, उन सब के पीछे बड़े बड़े दिमाग लगते हैं, और यही दिमाग बताते हैं कि हमारा देश किस दिशा में जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, देखो नेता बनने के लिए क्या चाहिए आपको, कुछ नहीं, सिर्फ चुनाव जीतना है।
और चुनाव जीतने के लिए आपको अपने लगाने पड़ते हैं एफर्ट्स। कोई डिग्री नहीं चाहिए आपको, आप 10th फेल हो, 9th फेल हो, आपने पढ़ाई भी नहीं किया। अगर आप अंगूठा छाप भी हो तो आप नेता बन जाओगे, लेकिन अंगूठा छाप नेता देश नहीं चला पाता। देश चलाने के लिए हमको IAS जैसे बुद्धिमान लोग चाहिए, जो अपनी अपने स्किल से हमारी नेताओं को गाइड करें, और यही होता है हमारे देश में आपका ये, ठीक है। सो ये ब्यूरोक्रेसी हम बेटा पढ़नी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। टू अंडरलाइन द डिफरेंस बिटवीन द मशीनरी एंड द मिलिट्री सर्विस, इट इज डिस्क्राइब्ड एज सिविल सर्विसेज, ठीक है ना। इनको बेटा हम लोग बोलते हैं सिविल सर्विसेज, UPSC सुना होगा आप लोगों ने, UPSC या PCS, ये SSC, तो वैसे ये तो अलग बात है, पर UPSC मतलब सिविल सर्विसेज, IAS की बात हो रही है यहाँ पे आपका। ट्रेन एंड स्किल्ड ऑफिसर्स हु वर्क एज परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ द गवर्नमेंट आर असाइन द टास्क ऑफ असिस्टिंग द मिनिस्टर्स इन फॉर्मुलेशन पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटिंग दीज पॉलिसीज, ठीक है ना। कोई भी नेता हो, अनपढ़ नेता हो, नेता पढ़ लिखा हो, उस नेता को गाइड करने के लिए, उस नेता को एडवाइस देने के लिए हमारे पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेसी यानी कि हमारे IAS और IPS असाइन किए जाते हैं। इन अ डेमोक्रेसी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड द मिनिस्टर्स आर इन चार्ज ऑफ गवर्नमेंट एंड द एडमिनिस्ट्रेशन इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन, ठीक है भैया। हमारी कंट्री में, ठीक है, हमारी कंट्री में जो आपका होता है प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, इट कम्स अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट। इन द पार्लियामेंट सिस्टम द लेजिस्लेचर आल्सो एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। जो हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, राष्ट्रपति, ये सब मिलके बैठा हमारे प्रशासन को भी देख रेख करते हैं इसकी। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स कैन नॉट एक्ट इन वायलेशन ऑफ द पॉलिसीज एडॉप्टेड बाय द लेजिस्लेचर। जो भी आपका प्रशासन है बेटा, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कोई भी ऐसा काम नहीं करता है जो लेजिस्लेचर की पॉलिसी के खिलाफ या अगेंस्ट जाता हो। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मिनिस्टर्स टू रिटेन पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना। राजनीतिक आपका दबदबा बरकरार रखना पड़ता है मिनिस्टर्स को भी। इंडिया है एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, भारत में जितनी भी IAS हैं दे आर प्रोफेशनल्स, वो पढ़ के, एग्जाम दे के, इंटरव्यू क्रैक करके इस पोजिशन पे आपका पहुँचते हैं। एट द सेम टाइम दिस मशीनरी इज मेड पोलिटिकली अकाउंटेबल, द ब्यूरोक्रेसी इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू पोलिटिकली न्यूट्रल। अब सुनो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब बेटा ये होता है कि जितनी भी IAS IPS होते हैं, इनको जवाबदेही होती किसको, नेताओं को। मतलब एक पढ़ा लिखा IAS जो है वो जवाबदेह होता है किसको, एक ऐसे नेता को जो पढ़ा लिखा भी हो सकता है और जो अनपढ़ भी हो सकता है। दूसरी बात, एस नेता लोग होते हैं टेम्परेरी, आज हैं करने, लेकिन ये जो होते हैं आपके, ये IAS ये होते हैं परमानेंट, ठीक है। तो इनको रहना पड़ता है न्यूट्रल, कि इनको कभी भी पॉलिटिकल पार्टी देख के नहीं, इनको सिर्फ पोजीशन देख के सपोर्ट करना पड़ता है, इनको सिर्फ गाइड करना पड़ता है, समझे ना आप लोग। सबसे बड़ा डिफरेंस बेटा ये होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में जो है वो नेता लोग आते हैं, जो होते हैं टेम्परेरी, आज है कल नहीं, मिनिस्ट्री आज है कल नहीं, लेकिन जो होती है परमानेंट एग्जीक्यूटिव बेटा, इसमें आते हैं IAS IPS जो होते हैं परमानेंट, ये हमेशा रहते हैं, तो इनको रहना पड़ता है न्यूट्रल। नेक्स्ट पॉइंट, दिस मीन्स डैट, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब बेटा होता है कि ब्यूरोक्रेसी विल नॉट टेक एनी पॉलिटिकल पोजिशन और ऑन पॉलिसी मैटर्स। इन ए डेमोक्रेसी इट इज ऑलवेज पॉसिबल डैट अ पार्टी इज डिफीटेड इन इलेक्शंस एंड द न्यू गवर्नमेंट वांट्स टू ऑप्ट फॉर न्यू पॉलिसीज इन द प्लेस ऑफ पॉलिसी ऑफ द प्रीवियस गवर्नमेंट। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, नए पॉलिसी होती हैं, पुरानी पॉलिसी होती हैं, और उन पॉलिसी पे काम करना, गाइड करना होता है, काम किसका, एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है। इस टाइम में उनको किसी एक पार्टी का स्टैंड नहीं लेना पड़ेगा, उनको अपना ड्यूटी करनी होती है। इन सच सिचुएशन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी टू फेथफुली एंड एफिशिएंटली पार्टिसिपेट इन ड्राफ्टिंग द पॉलिसी एंड इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। उनको अपने, उनको बस फेथफुली लॉयल्टी से काम करना पड़ता है। डजंट मैटर सामने कांग्रेस है, BJP है, कोई और सरकार है आपकी। पर्सन सिलेक्टेड बाय द UPSC फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस कॉन्स्टिट्यूट द बैकबोन ऑफ द हायर लेवल ब्यूरोक्रेसी इन द स्टेट्स, ठीक है ना भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं जो हमारे देश को चलाते हैं, जो हमारे देश एक्चुअल में यही IAS IPS लोग हमारे देश चलाते हैं। ये तो लोग क्या है, तो लोग तो ऐसे चुनाव जीतते आते हैं, बट सारी पॉलिसीज फ्रेम करने के पीछे इन सब का बेटा होता है हाथ, ठीक
नेक्स्ट पॉइंट पे, एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर इज असाइन टू अ पर्टिकुलर स्टेट वेयर ही और शी वर्क्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है भैया, अब ये जो होते हैं आईपीएस, इनको अलग अलग स्टेट में कभी कभार इनको सेंट्रल के द्वारा भी असाइन किया जाता है बेटा अलग अलग कामों के लिए। द आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे कैन गो बैक इन टू द सर्विसेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन टेक डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट दैम। ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ही इन आईएएस आईपीएस के ऊपर कोई ले सकती है एक्शन, स्टेट गवर्नमेंट का बेटा कोई रोल नहीं होता इसके अंदर आपका। ये नेक्स्ट पॉइंट पे, दिस मीन दैट द की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट्स आर अंडर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है भैया, यानी कि हमारी कंट्री में जितने भी सारे बड़े बड़े फैसले होते हैं वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, भले ही वो आईएएस और आईपीएस का ही फैसला क्यों ना हो। ठीक है बच्चों, सो बेटा चैप्टर आपको यहाँ पे ओवर हो चुका है, अब आपको मैं टास्क दे रहा हूँ। आपका टास्क ये है कि आपको डिफरेंस जानना है परमानेंट एग्जीक्यूटिव में और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में। एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, आईएएस और आईपीएस। ठीक है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, ये सब लोग आते हैं, नेता लोग आते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस करके आपको मुझे व्हाट्सएप करना है। ठीक है,